रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। मैंने बता रखा था ना कि आपको कि जो हेलो एलिकेन है वो चार टाइप की रिएक्शन देता है। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर रिएक्शन विथ मेटल, फिर रिएक्शन, फिर रिडक्शन। चार टाइप की रिएक्शन देता है। तो आज अपना फर्स्ट अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था कंप्लीट। आज अपन बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की। देखो इस एलिमिनेशन रिएक्शन का एक नाम और लिख सकते हैं अपन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं अपन। इसका एक नाम और बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोल दो या डीहाइड्रो हेलोजिनेशन बोल दो, डी का मतलब क्या होता है, डीई का मतलब होता है रिमूव, याद रखना रिमूव कौन होगा, एक तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब इस प्रकार की रिएक्शन में हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया एलिमिनेशन रिएक्शन। अब याद रखना एलिमिनेशन को पहचान कैसे करोगे, कि हमको एलिमिनेशन ही करवाना है। एलिमिनेशन को पहचान करने का सबसे आसान तरीका याद रखना कि आपको हमेशा एरो के ऊपर एल्कोहोलिक KOH मिलता है। क्या मिलेगा, एल्कोहोलिक KOH मिलता है। जहाँ पर भी एल्कोहोलिक KOH आता है समझ जाना एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। डायरेक्ट याद रखना, जहाँ पर भी एल्कोहोलिक KOH आ रहा है समझ जाना क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। अब देखो एलिमिनेशन होता कैसे, समझना ध्यान से। मैंने लिया CH3, CH2 और Cl, हो गया। मैं इथाइल क्लोराइड को लिया, किसको लिया, इथाइल क्लोराइड, IUPAC सबको आना चाहिए बेटा। मैंने लिया इथाइल क्लोराइड। अब हमको एक चीज़ पता है, याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। कौन होंगे, कुछ गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। कौन कौन है वो गुड लिविंग ग्रुप, एक तो हेलोजन, उसके बाद में NO2, उसके बाद में याद रखना हेलोजन NO2 OR और मेटल, हेलोजन NO2 OR मेटल और एक NH2, यहाँ पर लिख देना NO2 की जगह लिख देना NH2, NO2 नहीं NH2, हेलोजन NH2 OR और मेटल, इसको अपन क्या बोलते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। जहाँ पर भी आपको दिखाई देते हैं ना, तो सबसे पहले इनको रिमूव करने की कोशिश करो, इनको बाहर निकालने की कोशिश करो, समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आधी से ज़्यादा रिएक्शन में आपकी हेल्प करते हैं बेचारे, कैसे, कि जहाँ पर भी हेलोजन दिख रहा है, जहाँ पर भी NH2 दिख रहा है, जहाँ पर भी OR दिख रहा है, जहाँ पर भी मेटल दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इनको बाहर निकालने की कोशिश करो। तो कॉपी के ऊपर फटाफट लिख देना एक बार, गुड लिविंग ग्रुप इनको बोलते हैं, लिखो जल्दी से लिखो इनको, कि अपने कुछ गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, दिख रहा ना सबको बोर्ड पे, चलो ठीक, ये गुड लिविंग ग्रुप है। अब देखो रिएक्शन करते हैं, क्या हमारे पास में जो इथाइल क्लोराइड है, क्या उसमें गुड लिविंग ग्रुप आ रहा है क्या, इथाइल क्लोराइड के अंदर गुड लिविंग ग्रुप आ रहा है क्या, ये रहा देखो हेलोजन। तो मैंने क्या बोला, जहाँ पर भी गुड लिविंग ग्रुप आता है, चाहे वो हेलोजन हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो OR हो, सबसे पहले उनको बाहर निकालो। ये रहा देखो हेलोजन, गुड लिविंग ग्रुप है, तो कैसे बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जो हेलोजन है उस हेलोजन के पास वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। परमानेंट याद रखना इन चीज़ों को, कि हेलोजन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। समझ में आ रहा है, हेलोजन के पास वाला कार्बन अल्फा और अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा कार्बन है। अब देखो करते हैं रिएक्शन,
जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो पहले बॉन्ड को तोड़ते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अब मैंने आपको बता रखा है बॉन्ड कैसे ब्रेक करोगे, हेलोजन दिख गुड लिविंग ग्रुप दिखा तो बॉन्ड को ब्रेक कर दो। देखो ये रहा गुड लिविंग ग्रुप, हेलोजन है, मतलब ये हेलोजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा। हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब अल्फा कार्बन से हेलोजन बाहर निकलेगा, फिक्स है। अब इस कार्बन पर क्या हो गया, इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई, समझ में आ रहा है, इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई कि नहीं आई, आ रही है ना। तो ये कार्बन क्या करेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, देखना ध्यान से, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, हेलोजन लेके चला गया। तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई, अब कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये कार्बन देगा या इनमें से कोई एक हाइड्रोजन देगा। याद रखना, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे मासूम हाइड्रोजन होता है, उसको अपन आसानी से है ना पुचकार कर आसानी से इलेक्ट्रॉन कोई भी उससे ले सकता है, क्योंकि बेचारा काफ़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ देखो, इस कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है और ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। यूं कैसे गया इलेक्ट्रॉन, देखना ध्यान से, ऐसे गया। देखो इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन तो किसका, कार्बन का, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का, जो तड़प रहा ऊपर जाने के लिए। देखो ध्यान से, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया कार्बन के पास, समझ में आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन तो इधर ही है जहाँ पर होना चाहिए, तो कुल मिलाकर ये जो बॉन्ड है किधर भाग गया, यूँ हो गया, डबल बॉन्ड बन गया क्या, और हाइड्रोजन फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन देकर, और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। एच पर पॉजिटिव है, सी एल पर नेगेटिव है, ये यहाँ से बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड किधर चला गया, इधर चला गया। तो एच प्लस और सी एल माइनस ने क्या बनाया, एच सी एल बनाया। और देखो यहाँ पर अब क्या बना, देखो सी एच टू, सी एच टू बना, ये वाला बॉन्ड किधर चला गया, ऊपर चला गया इधर, मतलब एक बॉन्ड पहले से था, ये वाला बॉन्ड और आ गया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन देखो ये रहा, ये तो यही है कार्बन के पास, और एच का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, दूसरे कार्बन के पास, बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर सी एच टू क्या बना, एथीन बना, क्या बन गया, एथीन। अब देखो अल्फा से तो हेलोजन निकला और बीटा से हाइड्रोजन निकला, अल्फा से तो हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन और एल्किन का फॉर्मेशन हुआ, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, समझ में आ गया। इसके अंदर लिखना आप, फिर रिएक्शन उतारना, पहले लिखना, लिखो ए रिएक्शन व्हेन एल्किल हेलाइड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, व्हेन एल्किल हेलाइड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, देन हेलोजन आर रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन, then halogen are removed from alpha carbon and hydrogen will be removed beta carbon and hydrogen will be removed beta carbon then alkene is formed. This reaction is known as elimination reaction. alpha beta एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हेलोजन भी निकल रहा, तो इसका एक नाम और क्या हो गया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, रिएक्शन में कोई डाउट नहीं है ना, फिर सुन लेना। कई बच्चों के मेरे पास में डाउट आ रहे हैं कि सर, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर SOCl2 आ रहा है, उसने पूछा सर ये रिएक्शन कैसे होगी। तो बेटा रिएक्शन तभी होगी जब आप रिएक्शन की प्रैक्टिस करोगे।
एक बार रिएक्शन को कैमरे में सॉरी फोन में देखने से नहीं समझ में आएगी, जब तक आप एक रिएक्शन की 10 से 15 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको रिएक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। मेरे पास में बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, एक बच्चा पूछ रहा सर ये रिएक्शन कैसे होगी, एक बच्चे ने ये पूछा, एक बच्चे ने इस रिएक्शन के लिए पूछा कि सर ये वाली रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर BR2 है और यहाँ पर HNU है, लाइट है, कि सर ये वाली रिएक्शन कैसे होगी। तो बेटा ऐसी रिएक्शन हमने कर रखी है, यहाँ पर अपन ने BR2 की जगह CL2 लिया था, याद करो CH4 की रिएक्शन करवाई थी, किससे, CL2 से, प्रेजेंस ऑफ लाइट करवाई थी क्या। तो ये एल्केनी तो है, CH4 एक प्रकार का एल्केनी तो है, एल्केन में क्या था, HCl निकला, Cl जुड़ा, यही तो था। अब देखो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर तो रिएक्शन होगी नहीं, सिंगल बॉन्ड पर होगी, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ से HCl को निकाल दो और Cl को लाके जोड़ दो, रिएक्शन कर रखी है अपन ने सारी। लेकिन उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो बच्चे एक रिएक्शन की 10 से 15 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। विदाउट प्रैक्टिस आपको रिएक्शन लाइफ टाइम समझ में नहीं आ सकती बेटा। रिएक्शन को समझना है तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना वैसे घर पर खुद के टीचर बनकर खुद को समझाओ, और एक बार नहीं 15 बार समझाओ, एक रिएक्शन को 15 बार समझाओ, तब तो रिएक्शन में मास्टर हो जाओगे, अदरवाइज बेटा रिएक्शन नहीं समझ में आने वाली। और यही गपला करती है नंबरों में, नंबर यही ख़राब करती है केमिस्ट्री में, रिएक्शन ही है ना। तो रिएक्शन उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो खुद के टीचर बनकर खुद को 10 से 15 बार रोज समझाएंगे एक रिएक्शन को, फिर आपके रिएक्शन में कोई डाउट नहीं आने वाला, ठीक है ना। चलो नोट करो इस रिएक्शन को, तो नोट करो यहाँ तक, एलिमिनेशन तो समझ में आ गए ना कि अल्फा से हेलोजन कैसे निकला और बीटा से हाइड्रोजन क्यों निकला। क्या बोला मैंने, अल्फा से तो हेलोजन कैसे निकला और बीटा से हाइड्रोजन क्यों निकला। करो रिएक्शन जल्दी से, करो बेटा रिएक्शन करो। यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। चलो ठीक है, क्लियर हो गया एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो एलिमिनेशन के अंदर ही क्वेश्चंस और बनते हैं। चलो मैं एक रिएक्शन देता हूँ आपको करने के लिए, देखते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया आपको। ये रिएक्शन खुद करना बेटा, मैंने ये दिया, अगला एग्जांपल लिख देना चाहे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दिया CH3 CH2 फिर CH2 और Cl, मैथ एथ प्रोप क्लोरोप्रोपेन दिया, क्या दिया, क्लोरो प्रोपेन, इस क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करवानी है। तो याद रखना, फिर बता रहा हूँ, एरो के ऊपर अगर एल्कोहलिक KOH आता है तब अल्फा से तो हेलोजन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। अब हेलोजन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा, समझ में आ रहा ना। करो रिएक्शन, देखिए कैसे करोगे, करो इस रिएक्शन को, अल्फा बीटा कार्बन को पहचानो और रिएक्शन करने की कोशिश करो। कर लिया रिएक्शन, हो गई क्या, वीडियो को पॉज करके करनी थी। चलो ठीक है, देखो करते हैं रिएक्शन को। ये अपने पास में एल्कोहलिक KOH है, मैंने बता रखा है एल्कोहलिक KOH आने पर देखो सबसे पहले अल्फा बीटा पहचानो, हेलोजन के पास वाला कार्बन अल्फा और अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा, हो गया। मैंने ये भी चीज़ बता रखी है, गुड लिविंग ग्रुप आता है, तो गुड लिविंग ग्रुप कौन कौन है, हेलोजन है, NH2 है, OR है और मेटल है, ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। जहाँ पर भी दिखाई दे निकाल दो बाहर, हेलोजन आ रहा ना, तो हेलोजन तो इलेक्ट्रॉन लेके निकला, माइनस का चार्ज कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज, अल्फा से हेलोजन निकल गया, कैसे निकला पता चला। अब बीटा से हाइड्रोजन क्यों निकलेगा, सुनो, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन लेकर चला गया, हेलोजन लेके चला गया, और कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, नीचे वाला कार्बन का, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस H का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब ये बॉन्ड पहले यूं था अब यूं हो गया,
और इस पर कैसा चार्ज आया, प्लस का। समझ में आ रहा है, मतलब ये बॉन्ड किधर चला गया, नीचे चला गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो क्या बना, H प्लस सी एल माइनस तो बाहर निकला, और क्या बना देखो, सी एस थ्री, ये रहा सी एस थ्री। फिर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर कौन आया सी एच, ये वाला बॉन्ड किधर चला गया, नीचे। देखो ये वाला बॉन्ड तो पहले से ही था, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का यही था, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किधर आ गया, पास वाले कार्बन के पास, डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर सी एच टू बन गई। क्या लेकिन क्या बना, मेथेट प्रोपीन बन गया, और बाहर क्या निकला, एच सी एल। जिन बच्चों, मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि किन कौन कौन से बच्चों का सही हुआ, हाथ खड़े करो ना, ऑनलाइन क्लास है, पता नहीं चलता अपन को। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ईमानदार बच्चे हो, मेरे अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट का सही हुआ होगा, होशियार बच्चे हो सारे के सारे, ऑलमोस्ट बच्चों का सही हुआ है, वेरी गुड, है ना। चलो कर लो, जिन बच्चों का सही नहीं हुआ वो रिएक्शन कर लो बेटा, वो रिएक्शन कर लो जल्दी से, जिन बच्चों का सही नहीं हुआ है वो कर लो रिएक्शन, हो गया ना। चलो ठीक है, इसी एलिमिनेशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक लगाओ, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, एलिमिनेशन का ही टॉपिक है, साइंटिस्ट आएंगे हमारे पास में एक, है ना, हेडिंग लगाओ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, सेथ जेफ रूल। अब देखो सेथ जेफ रूल क्या बोलता है, समझना ध्यान से, क्यों आया ये रूल, क्यों निकल कर आया, देखो ध्यान से। मेरे पास में ऐसा कोई मॉलिक्यूल है सी एस थ्री, सी एच टू, फिर सी एच, बी आर और सी एच थ्री, ऐसा लिख दूँ ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मेरे पास में मॉलिक्यूल है सी एस थ्री, सी एच टू, सी एच, बी आर और सी एस थ्री, हेलो एल्केन है, नाम बताओ, 1, 2, 2 ब्रोमो, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, डायरेक्ट याद रखना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। और देखो मैंने तीर के ऊपर क्या लिखा, एरो के ऊपर लिख दिया एल्कोहलिक के ओ एच, एरो पर क्या लिखा, एल्कोहलिक के ओ एच मैंने लिख दिया। अब मेरे को बताओ रिएक्शन कौन सी करोगे, भाई मैंने बता रखा है एरो के ऊपर एल्कोहलिक के ओ एच आते ही एलिमिनेशन करवा देना, करवा दोगे। अब देखो एलिमिनेशन कौन सा एलिमिनेशन होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, रट लो इस चीज को, दिमाग में बिठा लो जल्दी से, साथ साथ बोलते रहना, साथ साथ बोलना, शर्माना नहीं, साथ साथ बोलना कि एरो के ऊपर एल्कोहलिक के ओ एच आता है, बोलो साथ साथ, एरो के ऊपर एल्कोहलिक के ओ एच आता है, एरो के ऊपर एल्कोहलिक के ओ एच आता है, तो अल्फा से हेलोजन, तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन जाता है, क्या बना, अगर एरो पर एल्कोहलिक के ओ एच आता है तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन जाता है, एल्कोहलिक के ओ एच आता है तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन जाता है। अब जो आता है और जाता है क्या करेंगे देखो, चलो करते हैं रिएक्शन, बी आर हेलोजन है, हेलोजन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा के पास एक और कार्बन तो इसको भी मैंने बोल दिया बीटा कार्बन, एक को बीटा और एक को बीटा डेस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे दोनों को बीटा बोल दो, बात है कि ये मतलब इस हेलो एल्केन में कितने बीटा कार्बन आए बेटा, दो दो बीटा कार्बन आ गए। अब दिक्कत देखो सबसे बड़ी क्या है, एक चीज़ तो फिक्स है, सबसे पहले कौन से बॉन्ड को तोड़ना पसंद करोगे, कौन से बॉन्ड को तोड़ना पसंद करोगे बेटा, गुड लिविंग ग्रुप वाले को, ये रहा गुड लिविंग ग्रुप। एक चीज़ तो फिक्स है, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है कि ये जो ब्रोमीन होगा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा, प्लस माइनस चार्ज और प्लस का चार्ज, ये तो फिक्स बात है। दिक्कत ये आई कि भाई अब इस बीटा से हाइड्रोजन को निकालो कि इस बीटा से हाइड्रोजन को निकालो, ये दिक्कत आई ना। और इस दिक्कत का सॉल्यूशन किसने दिया, सेथ जेफ ने दिया, सेथ जेफ ने बोला कि एक बार आप थोड़ी सी ठंड रखो, दोनों कार्बन से एच को निकाल के देख लो। तो मैंने क्या किया, एक बार इस कार्बन से निकालूंगा, एक बार इससे निकालूंगा, देखना ध्यान से, इस कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन किसने दिया, इस हाइड्रोजन ने दिया, और एच पर कैसा आया, पॉजिटिव,
एच बी आर निकल गया, देखो क्या बन रहा है, देखो यहाँ से चलो सी एच थ्री, ये रहा सी एच थ्री, फिर कौन आया सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, फिर कौन आया सी एच, ये रहा सी एच, एक बॉन्ड पहले से ही था लगा दो, ये वाला बॉन्ड भी नीचे आ गया डबल बॉन्ड बना, फिर कौन आया सी एच, और फिर कौन आया सी एच थ्री, मतलब ऐसी एल्किन बनी, कब बनी जब मैंने इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला तो ये वाली एल्किन बनी, इसका नाम देखो क्या बन रहा है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट टू इन बन रहा है, और एल्किन भी कैसी है सिमेट्रिकल है, कैसी एल्किन है सिमेट्रिकल, कैसे पता किया, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, देन एल्किन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्किन। अब मैंने क्या किया, इस वाले बीटा कार्बन से एच को निकाल के देखो एक बार, देखो क्या होता है भाई, इस कार्बन को हाइड्रोजन चाहिए ना, अब मैंने क्या किया दूसरी बार इस एच का इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, बात एक ही है, अब देखो और क्या बन रहा है, और क्या बन सकता है, देखो ध्यान से, यहाँ देखो सी एच थ्री, फिर कौन आया सिंगल बॉन्ड, फिर कौन आया, अब इससे थोड़ी निकाला है मैंने, तो इससे निकाला है तो ये तो ऐसा ही रहेगा ना, ये क्या बन रहा है सी एच टू, फिर कौन आया सिंगल बॉन्ड, ऐसी चीज़ें करने में काफ़ी मज़ा आता है, फिर कौन आया सी एच, और यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड सी एच टू, थोड़ा सही लिख दे क्या, डबल बॉन्ड सी एच टू बन रहा है, नाम क्या बनेगा मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट वन इन बना, क्या बना ब्यूट वन इन, सिमेट्रिकल की एसिमेट्रिकल है, लेकिन कैसी है, लेकिन है एसिमेट्रिकल है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है तो एसिमेट्रिकल एल्किन बन गई। तो ये अपन ने काम किया कैसे वो समझ में आया क्या, यस कि नो, कि हमारे पास में कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बन गई थी, दिक्कत क्या आई थी कि इस बीटा से एच को निकालो कि इस बीटा से एच को निकालो, क्यों, क्योंकि ऐसी एल्किन सामने आई जिसके पास में दो बीटा कार्बन है, तो मैंने क्या किया एक बार तो इस बीटा कार्बन से एच को निकाल दिया और एक बार इस बीटा कार्बन से एच को निकाल दिया, आ रही मेरी बात समझ में, जब मैंने इस बीटा कार्बन से एच को निकाला तो सिमेट्रिकल एल्किन बनी और इस बीटा कार्बन से एच को निकाला तो एसिमेट्रिकल एल्किन बनी। सेजेफ ने भी यही बोला कि भाई आप एक एक बीटा कार्बन से एच को निकाल के देख लो एक बार, फिर मैं बता दूंगा, तो हमने कर लिया। अब फिर हम बात करते कि भाई एल्किन बनेगी कौन सी रियल में, ये वाली बनेगी कि ये वाली बनेगी, तो सेजेफ ने इसका सॉल्यूशन दिया। सेजेफ ने क्या बोला कि अगर आपके पास में सिमेट्रिकल एल्किन बनती है ना, सिमेट्रिकल एल्किन जो बन रही है ना, इसको तो आप मेजर बोलो, ये मेजर प्रोडक्ट है, इसके बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ये माइनर प्रोडक्ट है, एसिमेट्रिकल एल्किन कैसा है, माइनर प्रोडक्ट है, इसके बनने के चांस काफ़ी कम होते हैं, ये तो कम से कम 85% बन जाती है और इसके बनने के चांस 15% ही होते हैं, क्लियर हो गई मेरी बात। तो ये होता है सेजेफ का रूल। तो सेजेफ ने क्या बोला कि अगर आपके पास में एक ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसमें दो बीटा कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें दो बीटा कार्बन प्रेजेंट होते हैं जिस कारण दो टाइप की एल्किल बनना पॉसिबल है, तो वो एल्किन मेजर प्रोडक्ट होती है जो सिमेट्रिकल होती है, समझ में आ गया, इसी रूल को हम क्या बोलेंगे सेजेफ का रूल बोलते हैं, क्लियर आया ना, समझ में हो गया। बस इतना ही याद रखना कि दिक्कत यहाँ पर है कि दो बीटा कार्बन है, कौन से बीटा कार्बन से एच निकालना सही रहेगा, इस बीटा कार्बन से, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्किन दे रहा है, इसी को अपन बोलते हैं सेजेफ रूल। तो हमने क्या लिया, टू ब्रोमो ब्यूटेन लिया और टू ब्रोमो ब्यूटेन से हमने क्या बना दिया, ब्यूट टू इन बना दिया, जो कि किससे बनाया, सेजेफ के रूल से बनाया, क्लियर है। तो इसमें लिखना सेजेफ के रूल में लिखना, हेडिंग लगाओ सेजेफ का रूल, सेजेफ का रूल इसमें लिखना, लिखो इफ 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 टू एल्किन, टू एल्किन इफ टू एल, ऐसा लिखना, चलो इसको छोड़ो, इसमें लिखना इफ इफ एल्काइल हैलाइड गिव्स, इफ एल्काइल हैलाइड गिव्स टू टाइप्स ऑफ एल्किन, इफ एल्काइल हैलाइड गिव टू टाइप्स ऑफ एल्किन, इफ एल्काइल हैलाइड गिव टू टाइप्स ऑफ एल्किल
सॉरी टू टाइप्स ऑफ एल्किन, टू टाइप्स ऑफ एल्किन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन then that alkene will be major product which have same number of carbon atom between double bond. So this rule is known as Seth-Jeff rule. क्लियर है? जल्दी से नोट करो बेटा इसको. तो ये Seth-Jeff रूल भी मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि Seth-Jeff रूल क्या है और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है. क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है बेटा, ये एलिमिनेशन खत्म हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म हो गई.